ओम सतनम। हमारा पांचवा और आखिरी चैप्टर है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, खेलों में प्रशिक्षण। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, कल आप सुबह 4 बजे उठना और जो आपको ये मैंने भेजा है सिलेबस, इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना और अच्छी तरह से पेपर करके आना आराम से। ठीक है बच्चों, खेल प्रशिक्षण किसे कहते हैं? खेलों की तैयारी करना खेल प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो 100% पेपर में आएंगे, वो है खेलों में प्रशिक्षण विकास की विधियों का वर्णन करो। तो खेलों में सबसे पहले शक्ति विकास की विधियाँ होती हैं। शक्ति किसे कहते हैं? किसी कार्य के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। शक्ति विकास की विधियाँ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 आइसोटोनिक व्यायाम। इनमें जो हैं खेलते समय क्रियाएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जैसे हम शॉट मारते हैं तो बॉल बाउंड्री के बाहर दिखाई जाती हुई दिखाई देती हैं, इसे ही आइसोटोनिक कहते हैं। नंबर 2 आइसोमेट्रिक व्यायाम। इसमें खेलते समय क्रियाएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, जैसे दीवार को धक्का लगाना, टेबल को दबाना। नंबर 3 आइसोमेट्रिक व्यायाम। यह व्यायाम आइसोटोनिक व आइसोमेट्रिक व्यायामों का मिश्रण होते हैं। यह विशेष निर्मित मशीनों की सहायता से किए जाते हैं। नंबर 3 क्षमता विकास की विधियाँ। किसी भी कार्य को जारी रखने की योग्यता को सहन क्षमता कहते हैं। यह इसके विकास की विधियां निम्नलिखित हैं। निरंतर प्रशिक्षण विधि नंबर 1। इस विधि में व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रुके किया जाता है, जैसे ग्राउंड के लगातार 10 चक्कर लगाना। ठीक है, नंबर 2 अंतराल प्रशिक्षण विधि। इसमें क्या होता है, ग्राउंड के 10 चक्कर लगातार लगाने की बजाय 2 चक्कर लगा के फिर रेस्ट करके फिर 2 चक्कर लगाकर 5 बार चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसमें खिलाड़ी को आराम करने का समय दिया जाता है और यह पुण्य शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 3 है फार्ट लैग प्रशिक्षण विधि। इसका अर्थ है गति खेल। यह प्रशिक्षण प्राकृतिक मार्गों पर दिया जाता है, जैसे अपने स्कूल से लेकर बस स्टैंड तक दौड़ लगाना। इसमें उबड़ खाबड़ रस्ते, कच्चे पक्के रस्ते, पहाड़े और मैदानी इलाके भी आते हैं। ठीक है, नंबर 3 है गति विकास की विधियाँ। यह व्यक्ति की वह योग्यता है जिसमें एक ही क्रिया को बहुत तेज गति से की जाती हैं। गति विकास की विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 त्वरण दौड़ें। इसमें खिलाड़ी विश्राम की अवस्था से उच्च गति को प्राप्त करता है, जैसे 100 मीटर का स्टार्ट होता है ना, हम 25 मिनट तक पूरी फोर्स लगाते हैं और आगे अपने आप दौड़ते चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, 20-25 मीटर तक तेज गति से दौड़ना, फिर हल्की जॉगिंग करना, इसे दौड़ना ऐसे 10-15 बार करना। तो ये जो है ये इस गति विकास की विधियों में त्वरण दौड़ में आता है। नंबर 2 पेस दौड़ें। अब 800 मीटर की दौड़ लगा रहा है एक खिलाड़ी, तो वो 100 सेकंड में पूरी करता है, तो उसको दौड़ है वो 51 सेकंड में, और दूसरी 400 मीटर की दौड़ 49 सेकंड में पूरी करना, यही जो है त्वरण पेस दौड़े कहलाता है। नंबर 3 है लचक विकास की विधियां। व्यक्ति के जोड़ों में गतिशीलता को लचक कहते हैं। लचक विकास की विधियां निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1 गतिशील खिंचाव विधि, नंबर 2 स्थिर खिंचाव विधि, नंबर 3 बैलिस्टिक विधि, नंबर 4 PNF खिंचाव विधि। PNF खिंचाव विधि को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। ठीक है, नंबर 5 है हमारी तालमेल संबंधी योग्यता। हमारे शरीर और मस्तिष्क का आपसी तालमेल खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए होना बहुत जरूरी है, और इसी शरीर और मस्तिष्क के आपसी तालमेल को तालमेल संबंधी योग्यता कहते हैं। यह योग प्राणायाम मेडिटेशन द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और अब जो क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन, शक्ति कितने होती हैं? शक्ति के 1 गतिशील शक्ति, नंबर अधिकतम शक्ति, नंबर स्फोटक शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है सहन क्षमता कितने होती हैं? सहन क्षमता निम्नलिखित है, नंबर 1 कार्य के अनुसार सहन क्षमता, नंबर 2 खेलों की अवधि के अनुसार सहन क्षमता, नंबर 4 नंबर बस ये कार्य के अनुसार सहन क्षमता और खेलों की अवधि के अनुसार सहन क्षमता। आगे है लचकता के प्रकार, लचकता कितने प्रकार की होती है? ठीक है, ये आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। लचकता 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 अक्रिय लचक, नंबर 2 सक्रिय लचक। अब क्वेश्चन पूछता है गति कितने होती है? गति निम्नलिखित नंबर 1 त्वरण योग्यता, नंबर 2 गतिविधि वेग, नंबर 3 गति सहन क्षमता, नंबर 4 प्रतिक्रिया गति। ठीक है, नंबर 5 तालमेल संबंधी योग्यता के प्रकार, ये भी निम्नलिखित प्रकार की होती है, नंबर 1 संतुलन योग्यता, संयोजन योग्यता, लयबद्ध योग्यता, नंबर 4 योग्यता। ठीक है बच्चों, आप पेपर बड़ा आसान आएगा, आप सारा पेपर करके आना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।